अहमदपुर के ग्राम परासी में विद्युत पोल पर चढ़े युवक को लगा करंट। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित किया। लाइनमैन पर कार्रवाई की मांग। अहमदपुर के नजदीक रायसेन जिले के ग्राम परासी में चल रहे धार्मिक आयोजन में बिजली के काम को लेकर गांव के ही नीतीश यादव द्वारा बिजली विभाग से परमिशन लेकर बिजली की सप्लाई बंद करवाकर विद्युत पोल पर चढ़कर काम किया जा रहा था। उसी दौरान परमिशन के बाद भी बिजली सप्लाई शुरू हो गई। करंट लगने की वजह से नीतीश ऊंचाई से नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पीएम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। रहवासियों का कहना है कि जब लाइनमैन से परमिशन ली थी तब बिजली अचानक कैसे शुरू हो गई, इसके लिए लाइनमैन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी का कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ ग्राम परासी। ये कौन है, क्या हुआ है? ये क्या है, हमारे यहाँ चल रहा था यज्ञ, उसका काम चल रहा था, तो नीतीश यादव नाम था, उसने लाइनमैन से परमिट लिया था। परमिट लेने के बाद वो चढ़ गया खम्भे पे, तो उधर से लाइन छोड़ दी, तो वो इस पार्ट पे ख़त्म हो गया। वहीं से गिर गया। कौन सी जगह थी, कहाँ पर हुआ? ये थी क्या कहते हैं, झीलों वाले मंदिर के पास में। नहीं तो परमिशन क्या लिखी थी कि मौके थी कि मोबाइल? नहीं, मोबाइल पे थी परमिशन, मोबाइल पर परमिशन थी, नंबर भी डायल है उसका, मानसिंह लाइन में। कहाँ का मामला है, कौन सी जगह? ये मामला है अहमदपुर के पास परासी रायसेन जिले का। क्या हुआ फिर आगे? ऊपर से लाइट छोड़ दी तो उसके करंट लग गया, तो एकदम लाइट चली गई, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, उसको अस्पताल लेकर आए थे, इस पार्ट पे ख़त्म हो गया था। भैया शादीशुदा थे? हाँ शादीशुदा थे, एक लड़का है एक लड़की है। कितनी उम्र होगी, क्या नाम था भैया? 26 साल का। क्या नाम था? नीतीश यादव।